नहीं मनीष जी, मैं इसको सामान्य एक्सीडेंट कतई नहीं जान मानूंगा ना, मैं मेरा मन नहीं इसको स्वीकार रहा। ये सामान्य रेल एक्सीडेंट है और उसके अंदर 25 से 30 घटनाएं ऐसी थी कि ट्रेन पलट जाए, ट्रेन पर वो इस तरह की तैयारी थी कि ट्रेन अगर पलट जाती तो सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर जाते। मैं लगातार कह रहा था कि राहुल गांधी ने बड़ी खुलकर चेतावनी दी थी कि अगर मोदी तिवारा प्रधानमंत्री बना तो देश में हाहाकार हो जाएगा, तो ये उसी क्रम में आप इसको जोड़कर देखिए, अब वो देश में हाहाकार करने की कोशिश पूरी तरह से तैयार है। तो वो बागमती एक्सप्रेस है मैसूर से दरभंगा और उसकी लूप लाइन बदल दी, उसकी लूप लाइन चेंज हो गई और वो जाकर एक खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे ट्रेन से लड़ गई। और इसमें मनीष जी आज मैं अश्विनी वैष्णव को दोषी ठहराऊंगा, अश्विनी वैष्णव भी दोषी है और दोषी हमारी सरकार भी है जो बैठी है दिल्ली में। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा जी की। आपको भी सर। सर पूरा देश दुर्गोत्सव में है, दुर्गा पूजा विशेष रूप से अपने देश में उत्तर और पूर्वी भारत में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है, पश्चिमी भारत में भी इसका उल्लास दूसरे किस्म का है, लेकिन इस पूरे भारत में इस जब भारत उल्लास में भी पर्व का त्योहार है, ये नौमी नवरात्र आप भी रखे हुए 9 दिनों से, उसके बाद दीपोत्सव होना है, मतलब छठ पूजा होना है, पूरा भारत इस समय एक तरह से दूसरे ढंग के उल्लास में। वैसे में लगातार रेल पटरियों पर सरिया रखना, पत्थर रखना, उस साजिश में यूपी में यदि वो फेल हुए तो क्या जानबूझ करके तमिलनाडु को चुना गया है? आपको क्या लगता है, ये सामान्य ट्रेन एक्सीडेंट है या जो सिलसिला रेल जिहाद का शुरू किया गया था उसी को अंजाम देने की कोशिश? नहीं मनीष जी, मैं इसको सामान्य एक्सीडेंट कतई नहीं जान मानूंगा ना, मैं मेरा मन नहीं इसको स्वीकार रहा, ये सामान्य रेल एक्सीडेंट है। आपको जरा इसके पहले की थोड़ी चीजें अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि अभी पिछले जब से 4 जून को जो रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का, उसके बाद से अगर केवल उत्तर प्रदेश के अंदर 8-10 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर ट्रेन को पलटाने की पूरी साजिश थी, इसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, क्या उनकी जांच चल रही है वो अभी सामने नहीं आया है, तो वो दर्शक जरा समझे कि 8 तो केवल यही थी। और अगर आप पूरे भारत की बात करिए तो उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, राजस्थान में पकड़े गए, मध्य प्रदेश में पकड़े गए, बिहार में पकड़े गए, तो करीब करीब 25 से 30 केवल समझिए अभी 6 महीने हुए हैं रिजल्ट आए, 6 महीने भी कहा हुए कायदे से तो 4-5 महीने हुए हैं, और उसके अंदर 25 से 30 घटनाएं ऐसी थी कि ट्रेन पलट जाए, ट्रेन पर वो इस तरह की तैयारी थी कि ट्रेन अगर पलट जाती तो सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर जाते। लेकिन वो जैसे ईश्वर साथ दे रहा है, सरकार का कह लीजिए, रेल विभाग का कह लीजिए, या जो लोग रेलगाड़ी में बैठे होते उनका साथ दे रहा है रेल, कि वो अभी तक जान किसी की नहीं गई थी और वो सारी प्रयास इनके असफल हुए थे, कुछ लोग पकड़े गए थे। तो अब जरा मनीष जी ये मैं जब वो दुर्घटनाएं पकड़ी जा रही थी, मैं लगातार कह रहा था कि राहुल गांधी ने बड़ी खुलकर चेतावनी दी थी कि अगर मोदी तिवारा प्रधानमंत्री बना तो देश में हाहाकार हो जाएगा, तो ये उसी क्रम में आप इसको जोड़कर देखिए कि अब वो देश में हाहाकार करने की कोशिश पूरी तरह से तैयार है। तो वो कर रहे थे उसमें असफल हुए, तो अब इन्होंने ये सोचा कि अब जरा स्थान बदला जाए मनीष जी, तो इन्होंने स्थान कहाँ चुना, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आज जो दुर्घटना हुई है मनीष जी, आज तो ईश्वर ने बहुत जमकर साथ दिया है, पूरी तरह से ईश्वर का हाथ कह लीजिए या जो लोग बैठे थे भाग्यशाली थे, जो अभी तक की सूचना आ रही, हालांकि वो अभी भी जो सूचना है उसको स्वीकारने का मन नहीं कर रहा कि वो पूरी खड़ी 103 किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही थी, बागमती एक्सप्रेस है मैसूर से दरभंगा, और उसकी लूप लाइन बदल दी, उसकी लूप लाइन चेंज हो गई और वो जाकर एक खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे ट्रेन से लड़ गई, और उस वो 12-13 डिब्बे मनीष जी पलटे हैं नीचे जो डिरेल हुए हैं, और उसमें दो डिब्बों में बहुत बुरी तरह से आग लगी, भयंकर आग लगी है। लेकिन जो रेल विभाग कह रहा है कि अभी तक चोटें आई हैं लोगों को, लेकिन अभी तक मृत्यु एक की भी नहीं हुई, किसी एक की भी मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। तो ये असीम कृपा है, मैं तो यही कहूँगा नव दुर्गा चल रहा, नवमी थी, ये माँ दुर्गा की कृपा है कि 13-14 डिब्बे डिरेल हुए पलटे, और उसके अलावा 2 डिब्बों में पूरी भीषण आग लगी है, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो अब जरा सोचिए कि अगर ये कामयाब हो जाता ये प्रयास जो किया गया है, तो आप जो अभी आपने पूरा बताया कि अब तो त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है, पितृपक्ष के बाद लगातार चलता है, कार्तिक पूर्णिमा तक ये जाएगा, तो उसमें एक कैसा हाहाकार, और आज नवरात्रि मतलब हिंदुओं के पर्वों का अगर आप बात करें सबसे शुभ दिन था,
उस दिन ये पूरा मौत का तांडव खेलने की पूरी तैयारी थी। और मैं क्यों कह रहा हूं मुनि जी, ये अब की ये अब वो काम नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में इन्होंने प्रयास किए थे कि कोई सामान रख के गाड़ी पलटा दो, तो अब की इन्होंने ठोस प्रयास किया, अब की इन्होंने ठोस काम किया था, उसका इनको नतीजा मिला। कि मनीष जी, जो अभी बताया जा रहा है, जो अभी सूचनाएं आ रही है रेलवे की, वो ये है कि सारे चैनल बता रहे हैं कि रेलवे ने कहा कि लूप लाइन बदल गई थी। तो लूप लाइन कैसे बदल गई? लूप लाइन अपने आप बदलती ही नहीं है। ये जरा दर्शक अच्छे से समझ लें कि लूप लाइन बदलने के लिए आपको कोई कोई ना कोई आदमी वहां ऑपरेट कर रहा होता है, जो केबिन में बैठा होता है, और उसने ही वही उसको बदल सकता है। अन्यथा लूप लाइन कोई तमाशा नहीं है कि बदल जाएगी, जरा सी गलती हो जाए तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। और यही खेल मनीष जी, आपको याद करिए, पिछले साल 2 जून को हुआ था। 2 जून को जो बालासोर में दुर्घटना हुई थी, जिसमें करीब करीब 250 से ज्यादा लोग मर गए थे, उस दुर्घटना में भी वही हुआ था कि उसकी जो रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो बदल दिया गया था, और वो जाकर दूसरी ट्रेन से वो भिड़ गई थी और उसमें 250 लोगों की जाने गई थी। तो आज आप सोचिए कि आज जो हुआ है और एक भी जान नहीं गई, तो मैं इसको माँ भगवती का ही आशीर्वाद मानूंगा। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का कमाल है कि इतनी भीषण दुर्घटना हुई है लेकिन उसके बावजूद किसी की मृत्यु नहीं है। ये मनीष जी बड़ा चौंकाने वाला मामला है। और इसमें मनीष जी, आज मैं अश्विनी वैष्णव को दोषी ठहराऊंगा। अश्विनी वैष्णव भी दोषी हैं और दोषी हमारी सरकार भी है जो बैठी है दिल्ली में। ये जरा बताएं कि 2 जून को वो जो दुर्घटना हुई थी, उसमें आपको जरा उसका घटनाक्रम आप समझिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि वो 2 जून को दुर्घटना हुई और जब वहां पे संदिग्ध चीजें मिली, तो अन्यथा रेल दुर्घटना की जांच कभी सीबीआई नहीं करती, लेकिन 6 जून को जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई थी। और 6 जून से 16 जून तक सीबीआई ने वहां जांच की, 16 जून को वो वापस लौट गई और ये हुआ कि जी सीबीआई लेके गई, अब अपनी वो रिपोर्ट देगी। लेकिन 19 जून को वो अचानक लौटती है मनीष जी, जरा गौर करिए कि वो सीबीआई अचानक लौटती है 19 जून को, फिर दिल्ली से वापस आती है। और वहां पर वो जो आमिर खान, वहां पे जो जेई था रेलवे का, उस जेई के घर जब जाती है तो ताला लगा के लापता था, वो लापता था, पता चलता उसकी बीवी पाकिस्तानी है, वो गायब था। और वो जो एसबी मोहंती वहां का स्टेशन मास्टर था, वो भी गायब था। और उसके बाद फिर आमिर खान पकड़ में आया, बाद में एसबी मोहंती पकड़ में आया, स्टेशन मास्टर पकड़ में आया। लेकिन वो उस दुर्घटना की कारण क्या था, उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, उस दुर्घटना के लिए आमिर खान को क्या सजा मिली या एसबी मोहंती क्या सजा मिली, ये देश को आज तक नहीं मालूम। तो जब इस तरह की ढिलाई इस तरह की जिहादियों के साथ बरती जाएगी, तो वही नतीजे होंगे जो आज आपको मिल रहे हैं या इससे पहले हम लोगों ने देखे कि 20-20 25-25 रेल पलटाने के मामले हो रहे हैं और जिहादी रुक नहीं रहे। और आज जिहादियों ने एक तरह से सीधे बहुत सैकड़ों लोगों की जिंदगी लेने की उन्होंने ठान ली थी, और इसीलिए उन्होंने चुना था तमिलनाडु को, क्योंकि यहां पर वो असफल हो रहे थे तो अब तमिलनाडु में था। और जरा ट्रेन भी देखिए मनीष जी, उन्होंने कौन सी चुनी, वो जो मदुरई, वहां मदुरई से वो जो बिहार आ रही थी, यानी आप मान लीजिए इतनी लंबी ट्रेन दरभंगा जा रही थी, बिहार की ट्रेन थी, और उसमें मान लीजिए कि आप 70-80% तो बिहारी ही होगा, इसमें कहीं कोई शंका ही नहीं है। तो अगर जो शिकार भी बनेंगे तो उसमें कोई तमिलनाडु के लोग बहुत कम, मुश्किल से 10-5% बैठे होंगे, वो सीधे सीधे बिहार के ऊपर चोट थी। और वो असफल हुए हैं, रो रहे होंगे अपने आप को कि भगवान ने कैसा बचाया है। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और इस सरकार से, अश्विनी वैष्णव से जरा कहिए कि अब जो है, अब वो जरा आंखें खोले और इस जिस तरह से जिहादियों से निपटा जा रहा है, इस तरह से काम नहीं चलेगा, अन्यथा आज बहुत बड़ा हादसा हो गया होता और पूरा देश मातम कर रहा होता। बिल्कुल, ये टारगेटेड लग रहा है, और इसीलिए ये जो रेल दुर्घटना, ऐसा लग रहा है कि उसमें अब तक जो रेलवे पटरियों पर सरिया रखा जा रहा था, एक बड़ी हाँ साजिश, वो फेल होने के बाद अंजाम के लिए जगह तमिलनाडु इसीलिए चुना गया। वो तमिलनाडु घोर सनातन विरोधी पूरा अड्डा ही है वो। और वो मतलब जो अभी कारण बताया जा रहा है, अभी हालांकि वास्तव में कारण तो असली आ जाएगा सामने, लेकिन वो तो जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो ट्रेन अपनी लाइन छोड़ के लूप लाइन में चली गई जहां वो खड़ी थी मालगाड़ी, तो निश्चित तौर पर उस गाड़ी को उसका ट्रैक छोड़कर लूप लाइन की तरफ मोड़ने का काम किसने किया था, किसने उसकी उसकी लाइन बदली, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसे आदमी को फांसी पे टान देना चाहिए जैसे वो उड़ीसा में हुआ था, लेकिन उसमें किसके साथ क्या काम हुआ, किसको सजा मिली, कौन किसकी नौकरी गई, किसको जेल में है, किसी को नहीं मालूम। वो पूरा जैसे ढक दिया गया, तो वो क्यों ढक दिया गया था, वो क्यों ढक दिया गया था, देश को क्यों नहीं बताया गया कि सच क्या है। और आज वो दोबारा हुआ है, तो अब मेरे ख्याल से अश्विनी वैष्णव को अगर थोड़ी बहुत भी लज्जा हो तो अब जरा पिछला भी बताऊं कि वो 2 जून वाली दुर्घटना थी वो क्यों हुई थी, जिसमें 250 लोग मर गए थे।
250 लोग मर गए थे और वो आमिर खान और एसबी मोहंती जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, या किसी की गलती थी ही नहीं, 250 लोग अपने आप मर गए थे। तो आप जब इस तरह से छुपाएंगे, कड़वा सच छुपाएंगे, तो देश को यही हाल भोगना पड़ेगा। जो आप रोते रहते हो, रोने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे दंड देने से काम चलेगा। जो अब फिर एक मौका है तो जरा देश को बताओ कि 2 जून वाले जो हत्याकांड हुआ था उसमें किसको दंड मिला और इसमें क्या तैयारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये चीजें हो रही, उसके बाद राहुल गांधी का जो लोको पायलट के साथ मीटिंग थी, ये माना जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये शाहीन साजिश सीए किसान आंदोलन के बाद की अगली कड़ी है ये? मैंने मनीष जी जिस दिन वो जाके मिला था उन लोको पायलट जो रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये आदमी जो राहुल गांधी के साथ दुनिया भर की प्रपंच कर रहा है, राजनीतिक प्रपंच कर रहा है, तो इसको तो तत्काल बर्खास्त करो, फिर ये मुकदमा लड़े, फिर जो होगा देखा जाएगा। पहले इसको तत्काल बर्खास्त करो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बारे में कोई जानते ही नहीं अब, तो वो कहां कहां रचना कर रहा था। और मैं बता दूं कि जो लूप लाइन चेंज करने वाला मामला है, इससे ये सारे कर्मचारी जो होते हैं इनकी बड़ी मुख्य भूमिका इसमें होती है, इनको सब कुछ ज्ञात होता है कि कहां किसकी लाइन कहां जा रही है, कौन सी लाइन किससे जुड़ रही है। तो वो आप बिल्कुल आपने सही याद दिलाया कि वो जो उस दिन जाके मिला था, तो मैंने मनीष जी उस दिन भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये कोई बड़ी साजिश है, और ये जिस तरह से वहां पहुंचा है, जिस तरह से वो मिलकर बात कर रहे हैं, तो ये अगला अभी कुछ और इसके दिमाग में चल रहा है। तो अब तो शंका निश्चित तौर पर है कि तमिलनाडु में जो हुई है तो वो कारण क्या है। बिल्कुल, चूंकि जहां वहां की जो सरकार जिस ढंग से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लग गया कि योगी ने तमाम मोर्चे पर इन्हें फेल किया, तो एक जगह इसीलिए प्रयास दक्षिण से शुरू किया, क्योंकि वहां पर तमिलनाडु घोर सनातनी स्टेट है, लेकिन सत्ता वहां यदि घोर सनातन विरोधी व्यक्ति के पास है, जो कहता है कि अब हिंदुत्व जो है सनातन धर्म खत्म कर रहा है, बीमारी है जिसको खत्म किया जाना चाहिए, ऐसी सोच यदि सरकार की, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेन में तो सब लोग रहते हैं, निश्चित रूप से, लेकिन टाइमिंग को देखिए। और सवाल ये कि यदि इस तरह की घटना बड़े पैमाने पे होती हो तो देश में अराजकता होगी, साजिश इसी बात को लेकर नजर आ रही है।